हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल एसएस क्लासेस पे वेलकम खैर मकदम करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो ना तो सिर्फ आपको क्लास ट्वेल्थ 100 मार्क्स के इंग्लिश में ही मदद करेगा बल्कि आपको 50 मार्क्स के इंग्लिश में भी मदद करेगा। जैसा कि दोस्तों, अगर आपने कभी क्वेश्चन बैंक से आप अपने सिलेबस का तैयारी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके सिलेबस में जो भी राइटर्स या लेखक आपके सिलेबस में हैं तो उनके जीवनी के बारे में भी आपसे सवाल कर लिया जाता है और उन खास करके उनके बुक्स या नॉवेल्स या ड्रामास के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो संख्या होता है आपके सिलेबस में, चाहे वो 50 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का हो, तो कम से कम जो है सो आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन हर साल ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 नंबर का जरूर पूछ लेता है। तो आज मैं आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण रिलेटेड इससे जो सवालात क्रिएट हो सकते हैं उसको लेकर आया हूँ। तो आपको जैसा कि मालूम है कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उनका पकड़ माना जाता है, तो उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे हैं, क्या क्या नॉवेल्स लिखे हैं, क्या क्या ड्रामा लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आपके रहने का चांसेस है। तो दोस्तों, देखते हैं, पहले हमने आज हम लोग बात करने वाले विलियम शेक्सपियर और दूसरे और राइटर्स के बारे में। तो इनका जो पहला क्रिएशन है वेनस एडोनाइज, उसके बाद है आपका द टेम्पेस्ट, उसके बाद है मेजर फोर मेजर द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट जो काफ़ी फेमस हुआ था, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनाइक, किंग लियर, जूलियस सेजर, मेकाबीथ, ओथेलो एंड हेमलेट। तो ये मुख्यतः जो है सो जो यहाँ पर 14 क्रिएशन आप देख सकते हैं वो क्रिएट किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगर आप ये 14 को याद करते हैं तो आपके जो है सो एक नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि हर साल विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड एक या दो सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे राइटर की तरफ। अगले राइटर की हम लोग बात करने वाले हैं जिनका पूरा नाम है जॉर्ग बर्नार्ड शॉ, जिसको शॉर्ट में जीबी शॉ भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है, पहला है इनका आर्म्स एंड द मैन, दूसरा है आपका कैंडिडा, फाइगेमेलिन, एसटी जॉन ऑन मैन एंड सुपरमैन। तो 5 क्रिएशन है जेबी शाह का। तो इसको भी अगर आप याद करते हैं तो आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना हो सकती है। अगला है हमारे राइटर का नाम टीएस इलियट, तो इन्होंने भी मुख्य रूप से 5 क्रिएशन किया है। इनका पहला क्रिएशन है मर्डर इन कैथेड्रॉल, द फैमिली रिन्यून, द कन्फिडेंटल क्लर्क, और इनका चौथा है द कॉकटेल पार्टी, और इनका 5वां है द वेस्ट लैंड। तो ये 5 और ये 5 ये 10 में से आपके कोई एक सवाल रहने का चांस है। उसके बाद है आपका जॉन ग्लेसवर्थी, इसमें आप जो है सो आपका एस्टेरेफायर और जस्टिस जो है सो इनका मुख्य क्रिएशन है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला हम अपना क्या है बच गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले राइटर का जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लोव, तो इनका मुख्य क्रिएशन है डॉक्टर फेस्टस, और इनका सेकेंड क्रिएशन है टेम्बोरलिन एडवर्ड सेकेंड। अगले राइटर की बात हम लोग करते हैं मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों, हमारे अगले राइटर हैं मुल्क राज आनंद, जो अपने इंडिया के ही हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है, अनटचेबल और कॉली। तो ये मुख्य 2 क्रिएशन है इनका मुल्क राज आनंद का। अगला है आपका थॉमस शॉकविले, तो इन्होंने क्रिएट किया है गॉर्बडस। उसके बाद आपका निकोलस अडल, तो इन्होंने क्रिएट किया है रिस्टर डायोस्टर। उसके बाद अगला हमारे राइटर हैं ये जॉर्ग एलियट, तो इन्होंने क्रिएट किया है मिडिल मार्च। उसके बाद हमारे अगले राइटर है एडवेंट स्पेंसर, तो इन्होंने क्रिएट किया है द फेरी क्वीन। और उसके बाद है आपका श्री अरविंद्रा घोष, इन्होंने क्रिएट किया है सावित्री। और ये श्री अरविंद्रा घोष का जो आपका जो सवाल है ये पिछले बार एग्ज़ाम में पूछे हुआ था, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं 2019 का। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे सवालों को अगर याद करते हैं, इन सारे राइटर और इनके जो है सो क्रिएशन को अगर आप याद करते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर फिक्स है। तो आप इसको अच्छे से याद करें, वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।